भारत चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद्रयान 3 को बनाने में सिर्फ 615 करोड़ रुपए का खर्च आया है। गौर करने वाली बात यह है कि फिल्म आदिपुरुष का बजट भी लगभग इतना ही था। अब सोशल मीडिया पर लोग आदिपुरुष के मेकर्स का मजाक बना रहे हैं। लोगों का कहना है कि मेकर्स ने जितना पैसा एक खराब फिल्म बनाने में लगाया, उतने पैसे में तो चांद पर जाया जा सकता था। बता दें कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन का कॉस्ट हॉलीवुड फिल्म इंटरस्टेलर से भी कम है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने भी इस पर रिएक्ट किया है। 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद पर पहला कदम रखा। इसके साथ ही भारत सबसे कम खर्च में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। भारतीय वैज्ञानिकों ने सिर्फ 615 करोड़ रुपए खर्च कर यह कारनामा कर दिखाया है। आदिपुरुष भारत की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है। फिल्म को बनाने में 2 साल लगे। बता दें कि हॉलीवुड में स्पेस जॉनर की फिल्मों का बजट अमूमन 500 करोड़ से ज्यादा होता है। इंटरस्टेलर को बनाने में 1300 करोड़ रुपए की लागत आई थी। वहीं भारत का चंद्रयान 3 इससे आधी लागत में ही चांद पर पहुंच गया है। ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।